दीदी ऐसा मत करो ना, मैं आपकी छोटी बहन नहीं हूँ क्या? सोच लो, अगर आपने मेरे साथ ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। बस अभी से ही रोने लगी बेटा, अभी तो गेम शुरू हुआ है। एक, दो, तीन और ये चार। देख, मैंने तेरी चारों की चारों गोटियां अंदर कर दी। मम्मी! बेटा देख, अब तूने मेरी गोटी काटी ना, अब तू नहीं बचेगी। अब तेरी सारी गोटियां ना लाइन से अंदर जाएंगी। ओए हाय, क्या शोर मचा रखा है? सारा दिन तुम मौज मस्ती करो और सोने के टाइम पे तुम ये फोन पकड़ के बैठ जाते हो। तुम दोनों सुबह उठाने से फिर उठोगे नहीं और तुम सारी रात फोन में लगे रहते हो। सोना नहीं है क्या? दोनों के दोनों ना फटाफट सो जाओ। और ये फोन, ये तो मुझे दे। बस पढ़वा दी ना मम्मी से डांट, मिल गया होगा अब तो तुझे जान। जाग, चुपचाप लाइट बंद करके आ, बदतमीज। दीदी, दीदी नींद नहीं आ रही। अरे आ जाएगी, ट्राई तो कर। अरे दीदी नींद नहीं आ रही, तभी तो बोल रही हूँ ना। आप एक काम करो, मुझे कहानी सुना दो, कहानियाँ सुन के नींद आ जाती है। अरे मैं क्या कोई रेडियो जॉकी हूँ जो मुझे कहानियाँ आएंगी? एक तो मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत कर। तो दीदी फिर एक काम करते हैं, हम ना मम्मी के पास चलते हैं, उन्होंने फोन तो छीन लिया है लेकिन कहानी तो सुनाई देंगी। अच्छा चल ठीक है। दीदी बोलो ना मम्मी को। अरे मैं क्यों बोलूँ, कहानी तुझे सुननी है तो तू बोल। दीदी आप मेरे लिए इतना नहीं बोल सकते, मेरी बड़ी बहन हो, बोल दो ना। अच्छा ठीक है, बोल रही हूँ। अब मम्मी, वो ना हम दोनों को नींद नहीं आ रही थी तो प्लीज आप हम दोनों को कोई कहानी सुना दो। हाँ हाँ, तुम्हें नींद कैसे आएगी अब, तुम्हारा फोन जो मैंने छीन लिया है। ज्यादा ना ड्रामे मत करो यहाँ आके, ठीक है ना? बहाने मत बनाओ, जाके ना टाइम से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। सारा सारा दिन मैं काम करूँ, तुम्हें संभालूँ और आराम करने के टाइम पे तुम्हें मैं कहानियाँ सुनाऊँ? यही काम है क्या मुझे? इसी दिन के लिए तुम्हें पैदा किया था कि तुम बड़े होगे मेरा खून पियो। चलो यहाँ से निकलो, जाके सो जाओ, मेरे को भी सोने दो। और हाँ लाइट बंद करते जाना। यार दीदी मम्मी ने तो मना कर दिया। एक काम करते हैं, हम ना दादी के पास चलते हैं, क्या पता दादी हमें कोई अच्छी सी कहानी सुना दे। हाँ बात तो सही है, चल फिर। अरे बच्चों, तुम लोग इस वक्त? दादी वो हम दोनों को कोई कहानी सुना दो, नींद नहीं आ रही है। अरे वाह बेटा, आजकल के मॉडर्न जमाने में भी तुम्हारे जैसे बच्चे हैं जो सोने से पहले कहानियां सुनते हैं। हाँ दादी, अब हमें पता चल गया है फोन छीनने के बाद कि लाइफ में कहानियों की कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है। जब तक हमारे पास फोन था हम दोनों तो बस फोन में ही लगे रहते थे, अब जब मम्मी ने फोन छीन लिया है तब हमें पता चला कि नहीं, कहानियों की भी इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। चलो दादी अब आप ना हमें कोई अच्छी सी कहानी सुना दो। हाँ हाँ बिल्कुल, आओ बच्चों बैठो यहाँ पर। तो बच्चों बताओ कौन सी कहानी सुननी है तुम्हें? अरे दादी कोई सी भी कहानी सुना दो, कोई अच्छी सी। अरे ऐसे कैसे कोई भी कहानी सुना दूं? जिंदगी में पहली बार तुम लोग मेरे से कहानी सुनने आए हो, तुम्हारे पास ना बहुत सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि राजा रानी की कहानी, परियों की कहानी, भूतों की कहानी, या फिर कोई ऐसी कहानी
जो सच्ची घटना पर आधारित हो। नहीं दादी, हमें भूत की कहानी सुनी है, भूत की कहानी, वो भी जो ट्रू स्टोरी बेस्ड हो, वो सुनाओ ना। अच्छा, तो फिर तुम्हें भूत की कहानी सुननी है, वो भी सच्ची घटना पर आधारित। ठीक है, तो फिर सुनो। बहुत पुराने समय की बात है, जब मैं कोई तुम्हारी उम्र की होंगी तो उस समय हमारे पड़ोस में एक हंसता खेलता परिवार रहता था। अचानक पूरे गांव में सुनाई दिया कि उनके घर में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं। अजीबोगरीब घटनाएं मतलब दादी? मतलब जैसे कि रात को सोते सोते अचानक उनके घर का सदस्य गायब हो जाता और अगले दिन अपने आप ही मिल जाता, अजीब सी हालत में कहीं भी पड़ा हुआ। कभी कभी उनके घर में रात में बर्तन बजने लग जाते थे, खटर पटर खटर पटर खटर पटर। और कभी कभी अचानक लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है। और कई बार तो चलते चलते पंखा अचानक किसी पर गिर जाता था और ऐसा लगता था जैसे उनके घर में उनके परिवार के अलावा कोई और भी है। लेकिन दादी, ऐसा हो क्यों रहा था? अरे बेटा, वो टप्पू था ना। हे भगवान, ये मेरे मुंह से क्या निकल गया। माता रानी मुझे माफ करना, मुझे ये नाम लेना नहीं था, गलती हो गई, मेरी रक्षा करना। अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या हाल होने वाला है। हे माता रानी, रक्षा करना, मैंने किसका नाम ले लिया गलती से। हे भगवान, गलती से हो गई, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे भगवान। दादी, दादी आप क्या हो गए, इतना क्यों घबरा रहे हो? हाँ हाँ दादी, ऐसा क्या बोल दिया आपने? अरे बेटा, ये जो मैंने नाम ले लिया ना गलती से, यही तो है सारे फसाद की जड़। हे भगवान, अब मेरे साथ पता नहीं क्या होगा, रक्षा करना मेरी, ये मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। देखो बेटा, ये नाम जो मैंने गलती से अभी लिया है ना, तुम दोनों याद कर लो, अपनी पूरी जिंदगी में इसको अपने मुंह से कभी मत लेना, क्योंकि यही वो नाम है जो एक बार कोई ले लेता है ना तो उसका भूत उसके अंदर घुस जाता है। अगर तुम्हें आगे कहानी सुननी है तो तुम्हें मुझे खून देना होगा। अरे दादी, आप ये कैसे बोल रहे हो? और ये आपकी आवाज को क्या हो गया? हाँ हाँ दादी, आप क्यों मजाक कर रहे हो? आपको हम ही मिले थे क्या इतनी रात को मजे लेने के लिए? मजे? अब भी तुम्हें पता चलेगा मजा क्या होता है। मेरे सामने तुम कुछ नहीं हो, मैं तुम्हें चुटकियों में खत्म कर सकता हूँ। अरे दादी प्लीज छोड़ो ना, मेरा गला घुट रहा है। हाँ दादी प्लीज, बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ दो प्लीज, छोड़ दो दादी प्लीज, छोड़ दो, दर्द हो रहा है दादी। मम्मी, मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ, मम्मी। हे भगवान, इन दोनों ने भी ना नाक में दम कर रखा है। अरे क्या हो गया, तुम दोनों ने क्यों शोर मचा रखा है? अरे बच्चों, क्या हुआ, तुम लोगों को मेरी कहानी पसंद नहीं आई? पहले पूरी कहानी तो सुन लो। नहीं नहीं दादी, हमें नहीं सुननी आपकी कोई कहानी अब। हाँ दादी, हमें कोई कहानी नहीं सुननी, इससे अच्छा तो हम सो ही जाएंगे जाके। चलो दीदी। हाँ। ये लो अपना फोन पकड़ो, जो करना है करो, मरो, पर मेरी नींद खराब मत करो, मेरे को चैन से सोने दो। दादी को हुआ क्या है? पता नहीं स्वाति, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आया, मैं भी बहुत डर गई थी। चल ये सब छोड़, हम जल्दी से सो जाते हैं, वरना मम्मी आएंगी फिर से गुस्सा करेंगी। ठीक है।
दीदी। अरे सिब्बू बेटा क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? एक तो इतनी देर से उठी है, ऊपर से चिल्लाए चले जा रही है, स्कूल वगैरह नहीं जाना क्या? अरे क्या हो गया, सुबह सुबह क्यों चिल्लम चिल्ली लगा रखी है तुम दोनों ने? रात को भी तुम्हारे ये ड्रामे रहते हैं और सुबह भी सारा दिन परेशान करके रखते हो। सुबह हुई नहीं कि चिल्लम चिल्ली चालू तुम्हारी। मैंने ना खाना तैयार कर रखा है, तुम दोनों फटाफट से तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। दादी आप अभी क्या कर रहे थे अंदर बाथरूम में, मिरर पे क्या लिख रहे थे? लिख रही थी मैं? क्या लिख रही थी बेटा? मैं तो लिपस्टिक लगा रही थी, मैंने तो मिरर पे कुछ नहीं लिखा। अच्छा चलो अंदर देखते हैं अभी कि क्या लिख रहे थे आप, दिखाती हूँ मैं आपको। हाँ हाँ आ जाओ देखते हैं क्या लिखा है। देखो तो कहाँ कुछ लिखा है मिरर पे, साफ तो है मिरर एकदम। हाँ दीदी कुछ भी तो नहीं लिखा। चलो हटो जाने दो मुझे। स्वाति मैं सच बोल रही हूँ, मिरर पे लिखा हुआ था लिपस्टिक से कि वो इज बैक। वो इज बैक? दीदी डिटेल में बताओ ना, सुबह ऐसा क्या हुआ था, दादी ने क्या किया था जो आप चिल्ला रहे थे? अरे स्वाति तेरे को याद है ना कि कल रात दादी ने हमारे साथ क्या किया था? अचानक से कहानी सुनाते सुनाते हमारी गर्दन पकड़ ली थी और हम दोनों घबरा गए थे। कुछ ऐसा ही आज सुबह भी हुआ था। जैसे मैं सुबह सुबह उठ के वॉशरूम जाने लगी तो दादी पहले से ही वॉशरूम में खड़ी होके उसी का नाम लिख रही थी मिरर पे जिसका नाम दादी ने लेने से मना किया था। वो इस बैग करके लिख रही थी, तू समझ रही है ना? जो कल रात दादी कहानी सुना रही थी तो फिर दादी ने हमें बोला था कि बेटा अपनी जिंदगी में याद रखना कि अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी हमें ये नाम नहीं लेना है, वो वाला नाम। अच्छा दीदी वो इस बैग लिख रही थी? हाँ वो इस बैग करके लिख रही थी और फिर उन्होंने अचानक से अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमा ली, मेरी अचानक से चीख निकल गई और तू भी उठ गई। और फिर तूने देखा ना जब हम दोनों अंदर गए और हमने देखना चाहा कि वहाँ पे क्या लिखा है पर वो मिरर था एकदम साफ का। स्वाति मुझे तो ना बहुत डर लग रहा है, पहले तो वो रात वाली बात मुझे मजाक लग रही थी कि दादी हो सकता है हमारे साथ मजाक कर रही है, लेकिन ये सुबह वाली हरकत को देख के मुझे पक्का यकीन हो गया है कि दादी में कुछ तो गड़बड़ है। दीदी हम ना एक काम करते हैं, इस बारे में सीधा जाके साफ साफ दादी से ही पूछ लेते हैं कि दादी ये सब क्या चल रहा है। हाँ स्वाति तू ना बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी हम स्कूल से वापस घर आएंगे ना तो सबसे पहले दादी से साफ साफ यही बैठ के पूछेंगे कि दादी ये सब क्या हरकतें हैं। दादी आपने भी सही ट्रेंड बना दिया, बच्चों की तरह बैठ के लॉलीपॉप खा रहे हो। ए लड़की मेरी मर्जी, मैं कुछ भी खाऊं, तू कौन होती है मुझे बोलने वाली? क्या हो गया दादी आपको, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे क्या हुआ बेटा, क्या बोला मैंने? दादी ये लॉलीपॉप। अच्छा ये लॉलीपॉप, लो तुम भी खाओ। अरे मेरा मीठा खाने को मन कर रहा था इसलिए खा रही थी। दादी आप ना एक बात सच सच बताओ, आप कल रात से हमारे साथ ये क्या नौटंकी कर रहे हो? ऐसा क्या कर दिया बेटा मैंने, ये लॉलीपॉप ही तो खा रही हूँ बस। अब ये लॉलीपॉप क्या तुम बच्चे ही खा सकते हो, मैं नहीं खा सकती? अरे दादी हम इस लॉलीपॉप की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो ये बोल रहे हैं कि कल रात से जब से आपने वो कहानी हमें सुनाई है तब से आप हम दोनों को कितनी बार डरा चुकी हो,
बस हो गया है ना दादी, अब मजाक खत्म करो। मैंने कब डराया बच्चों तुमको? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम लोगों को मुझसे डर लगने लग गया? मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ या तुम दोनों मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो? दादी प्लीज, देखो ये भूतिया हरकतें करना बंद करो, मैं डर चुकी हूँ। देखो आप जिस भी बात से हम दोनों से नाराज हो ना, उसके लिए हम दोनों देखो कान पकड़ के सॉरी बोलते हैं। प्लीज लेकिन ये सब बंद करो, हम डर चुके हैं। हाँ दादी, आपका मजाक प्रैंक जो भी है ना उसको बंद करो प्लीज, अब मेरा बस हो गया। अब सीरियसली मेरे को बहुत डर लग रहा है। प्रैंक तो बच्चों तुम मेरे साथ कर रहे हो, मुझे बताओ क्यों कर रहे हो ऐसा? मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ दिया जो एक लॉलीपॉप के लिए तुम लोग बात का पतंगड़ बना रहे हो? देखो कहानी सुनने तुम दोनों खुद आए थे मेरे पास, और अब अपनी कहानी बनाकर मुझे डराने लग रहे हो, और उल्टा मेरे ऊपर भूतिया हरकत करने का इल्जाम लगा रहे हो। अरे भाई, मैंने ऐसी क्या हरकत कर दी है? अरे दादी, आपने जो कल रात वो हमारे साथ भूतिया हरकत करी है ना, उस वजह से हम डर गए थे। फिर उसके बाद आपने रात में कहानी सुनाते सुनाते हमारी गर्दन भी पकड़ ली थी। फिर उसकी सुबह आप मिरर में लिपस्टिक से कुछ लिख रहे थे। फिर उसके बाद अब ये लॉलीपॉप, आप खुद ही देख लो। अच्छा, मैंने तुम्हारी गर्दन पकड़ी कब बच्चों? और वॉशरूम में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, तुम खुद चेक करने गई थी ना, क्या लिखा हुआ था वहाँ पे कुछ? और जहाँ तक लॉलीपॉप का सवाल है ना, तो वो मीठा खाने को मेरा मन कर रहा था तो मैंने खा लिया। अरे बच्चों, तुम लोग क्या बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। गर्दन पकड़ ली, मिरर पे कुछ लिख दिया, तुम लोग को डरा रही हूँ, ये सब क्या है? तुम लोग तो अपनी अलग ही कहानी बनाकर दादी के नाम का हवा में तीर चलाए जा रहे हो। अरे भाई, मजाक तो कम से कम ऐसा करो कि सच में लगे मजाक है। तुम लोग को क्या लगता है कि तुम लोग कुछ भी झूठी कहानी बनाकर मुझे बता दोगे तो दादी डर जाएगी या दादी मान लेगी, ऐसा लगता है तुम लोगों को? ए जिंबू, ए स्वाति, तुम दोनों मेरे हाथ से नहीं बच सकते। बहुत बोल रहे हो तुम दोनों, मैं ये करता हूँ मैं वो करता हूँ, मैं ये खाता हूँ मैं वो खाता हूँ, और तुम्हारी इस बुढ़िया दादी को तो मैं मार ही डालूंगा। और अगर तुम दोनों चाहते हो कि मैं ऐसा नहीं करूं, तो तुम दोनों अभी के अभी जाओ और मेरे लिए लॉलीपॉप लेके आओ, वो भी पूरे 10। क्या भूत? अरे कहाँ है भूत? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भूत भूत लगा रखा है तुम दोनों ने। दादी, आप दादी नहीं हो, आप भूत हो, भूत। कुछ भी, अभी तो मुझे भूत बोल रही है, कल को तुम मुझे चुड़ैल बोलेगी, फिर कह देगी मैं डायन हूँ। हाँ, हूँ मैं भूत। क्या कर लेगी तू मेरा? तुम दोनों जाती हो कि नहीं मेरे लिए लॉलीपॉप लेने? या खत्म कर दूँ इस बुढ़िया को अभी के अभी? अभी तो तुम बस देखो कि मैं एक एक करके क्या क्या करता हूँ। दादी प्लीज प्लीज, दादी ऐसा मत करो, हमें बहुत डर लग रहा है, हम बहुत डर रहे हैं। बेटा क्या कर रहे हो तुम दोनों ये? दादी आप तो बिल्कुल अपरिचित बन गए हो। अपरिचित? अच्छा, तो तुम दोनों फिल्म देखकर आई हो। तुम दोनों को क्या लगता है तुम फिल्म देखकर आओगी और मेरा पागल बना दोगी? बेटा ये फिल्मी दुनिया नहीं है, हकीकत है। मैं नहीं डरती इन भूतों से, आई समझ? इतनी बड़ी जिंदगी में मैंने अभी तक पता नहीं कितने भूतों को सीधा किया होगा। देखो बच्चों, ये घटिया मजाक अपनी उम्र के बच्चों के साथ करो, मेरे साथ नहीं। अरे जाओ, जाके कपड़े बदलो और पढ़ाई लिखाई करने बैठो। आए बड़े दादी के साथ मजाक करने वाले, कहाँ है तुम्हारा कैमरा? जल्दी से बताओ, सब समझती हो तुम बच्चों की कारस्तानी। आजकल के तुम बच्चे प्रैंक प्रैंक बहुत ज्यादा खेलते हो ना। चलो अब जाओ, जाके पढ़ाई लिखाई करो। पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, दिन भर मस्ती करनी है। एक बार तुम्हारा कैमरा मिल गया ना, तो उसको तोड़ के मैं चकनाचूर कर दूंगी। जाओ भागो यहाँ से, जाके कपड़े बदलो और पढ़ाई करो। मम्मी जी ये लो आपकी चाय। ला बहू। चाय? मैं चाय नहीं पीऊंगा, जा तू मेरे लिए सुखी राम की जलेबी लेके आ।
अरे मम्मी जी, जलेबी? आप जलेबी कब से खाने लगे? आपको तो डायबिटीज है ना, और ये सुखीराम कौन है? और मम्मी जी एक बात तो बताओ, आपने अपना जेंडर कब से चेंज कर लिया? खाऊंगी से सीधा खाऊंगा। ए मोटी गेंडी, तू मेरे ऊपर हंसेगी? तू जानती भी है मैं कौन हूँ? लाती है सुखी राम की जलेबी, या यही दूं तुझे एक दो घुसुंड? एक घुसुंड में जमीन पे फैल जाएगी, सबको मार दूंगा, सबको खत्म कर दूंगा, नहीं तो जाके सुखी राम की जलेबी लेकर आओ। अरे मम्मी जी, आप ये क्या बकवास कर रहे हो? आप मेरी बॉडी शेमिंग कर रहे हो, और आप ये मेरे से कैसे बात कर रहे हो टपोरे की तरह? हाँ, सही कहा तूने, तेरे से बात नहीं सीधा मुक्का लात करनी चाहिए। अब तू मेरे हाथ से नहीं बचेगी मोटी कैंडी। आप ये क्या कर रहे हो? मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। आपने मेरी गर्दन क्यों पकड़ रखी है? मम्मी जी छोड़ो मेरी गर्दन, मम्मी जी गर्दन छोड़ो मेरी। दादी, दादी आप ये क्या कर रहे हो? प्लीज मम्मी को छोड़ दो दादी, मम्मी का दम घुट रहा है। हाँ दादी प्लीज छोड़ दो, मम्मी का बहुत दम घुट रहा है दादी, छोड़ दो ना प्लीज। मम्मी जी आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, सुखी राम की तो क्या, मैं दुखी राम की भी जलेबी लेके आऊंगी आपके लिए। मम्मी जी मेरी गर्दन छोड़ दो प्लीज दादी, मम्मी की गर्दन टूट जाएगी प्लीज दादी, मम्मी को नीचे उतार दो दादी, प्लीज उतार दो ना मम्मी को प्लीज दादी। ए सिब्बू, स्वाति, ये मत भूलो कि मेरा ये हाथ खाली है, मैं तुम दोनों को इस हाथ से ऊपर उठा दूंगा। मम्मी, मम्मी जी मेरे को सांस नहीं आ रही है, मम्मी जी प्लीज मेरे को छोड़ दो, मम्मी जी प्लीज छोड़ दो मम्मी मेरी गर्दन, मम्मी जी प्लीज। ले छोड़ दिया। मम्मी हम दोनों ने तो आपको पहले ही बोला था। मम्मी आप ठीक तो हो ना? आपको लगी तो नहीं ना? मम्मी आपको लगी तो नहीं ना? मुझे कमेंट में जरूर बताना, आई होप अच्छी लगी होगी, एंजॉय किया होगा। और अगर इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर बता देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और अगर पुराने हो या नए हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलते हैं सेकेंड पार्ट के साथ।